नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पेट में अक्सर यदि गैस बनी रहती है तो आज से ही बंद कर दें इन चीजों को। आज के इस दौर में बहुत सी गैस और एसिडिटी की समस्या से परेशान है लोग, जिसे कई बार लोग मामूली समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस वजह से बार बार पेट में गैस, भूख की कमी, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द और पेट फूलने जैसी समस्या होने लगती है। पेट में गैस होने के लिए कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन आज के इस दौर में कई चीजों का सेवन पेट में गैस की मुख्य वजह हो गया है। आज की इस पोस्ट में हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सेवन से पेट में अक्सर गैस की समस्या बनी रहती है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ हमारे पाचन तंत्र भी कमजोर होने लगते हैं। ऐसे में दूध या दूध से बनी चीजें ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाती और पेट में कई प्रकार से गैस बनने लगती है। अगर आप पेट में गैस की समस्या से बचना चाहते हैं तो आपको सीमित मात्रा में दूध या फिर दूध से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए। पूरे देश में भारत किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स का भारी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके साइड इफेक्ट्स से कई बार बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। इससे हमारे पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। अगर एंटीबायोटिक दवाइयों के सेवन से आपको पेट में गैस बनती है तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आज के इस दौर में बहुत से लोग बर्गर, पिज्जा जैसे जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे पाचन तंत्र बिगड़ रहा है। बर्गर और पिज्जा जैसी चीज़ों को बनाने में मैदे का इस्तेमाल होता है, जिस वजह से पेट में गैस की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस प्रकार की समस्या है तो आप हमारे बताए हुए इन उपायों को जरूर करके देखें। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो को पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।